Life of an army jawan is tough, undoubtedly. Imagine a jawan posted on the line of control, charged with the responsibility of preventing infiltration across the borders. 24/7, 7 days a week, 365 days a year. He is expected to be vigilant and on guard. And it is not easy when you know that the bullet will hit you and you will die, unless you are trained, motivated to undertake that final step of death. I have only one thing to say, and proud to be an Indian. Explore something new, explore a new horizon and a whole new meaning of love. Don't just get into the rigid complex of love that it should be between two people of the opposite gender. It can be between two people of different, you know, like, I don't know, ethnicities, races, caste. It can be between people of any social strata, socioeconomic status. So yes, give it a chance. इंसान जो ये गलतियाँ कर रहा है वो रुक जाए ताकि कोई और लड़की ये सब ना सहे. कि वैसे इंडिया में बहुत सारे जो स्ट्रीट आर्ट्स, मगर अगर आप मंदिरों में देखो नहीं तो घरों में देखो, जैसे राजस्थान के घर हैं, गुजरात के घर हैं, वहाँ तो बहुत वॉल्स पे पेंटिंग हमेशा होती है. कि इतने सारे जो स्टाइल्स हैं इंडिया में, उन सबको अडॉप्ट करना चाहिए और उसको भी पब्लिक आर्ट बनाना चाहिए. सिर्फ मंदिरों और घरों में नहीं, मगर पूरी दीवारों पर करना चाहिए, तो सब उसे देख सकें. लेकिन डर के बारे में कभी हमने आज तक सोचा नहीं. ये आदमी जो गलत कर रहा है अपराधी है, इसका गिल्टी कॉन्शियस है, ये कभी हमारे सामने खड़ा नहीं होगा, ये दिल में है. इसलिए डर नाम की आज तक चीज़ हमने हमारे दिमाग में आई ही नहीं. समाज में सबके सामने बाल मजदूरी देखता है आदमी करते हुए, कष्ट भी लोगों को होता है कि बच्चा बुरे हालत में रह रहा है, लेकिन हम इतना व्यस्त होते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं. हर जगह चाइल्ड लेबर भरा है, किसी को कोई कंसर्न नहीं. एक आत्मबल है, हम जानते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं. लोग कहते हैं कि आप ये काम क्यों करते हैं. समाज में जाएंगे तो एक खिलाड़ी को कितनी इज्जत मिलती. एक उद्योगपति गांव में चला जाएगा, उसको शायद कोई जाने भी नहीं. उसने 100 आदमियों से परिचय करना पड़ेगा कि मैं जिंदल हूँ, मैं डालमिया हूँ, मैं फलाना हूँ. लेकिन यहाँ अगर सुशील को उतार दें तो आम आदमी पहचान लेगा ये सुशील है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है. मैं 5 साल बाद अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पर उनके नज़रिए में देखना चाहूँगा. ये एक मैसेज है कि भाई अपने बच्चों को किसी न किसी गेम से लगा के रखो. गेम एक ऐसी पवित्र चीज़ है जो बच्चे का जीवन सुधार सकती है और बच्चे को दूसरे गलत कामों से बचाने का एक सबसे अच्छा रास्ता है.